आपका एवरी सोट सोट पड़ेगा। कि आप यहां पर देख पा रहे हो एंड इंटरेस्टिंग को पूरा देख लोगे तो आप लोग राइ स्टार की तरह या फिर कोई भी बड़े बड़े प्लेयर की तरह पूरा रेड डैमेज मार पाओगे एम पी फोर्ट या फिर कोई भी ड्रेग एडसोट वाली गन से तो वीडियो को गाइस पूरा देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड हाँ गाइस इस वीडियो को अगर आप स्किप कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही बड़ा वीडियो स्किप कर दोगे क्योंकि इस वीडियो में ऐसी टिप्स एंड बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोग का का ड्रैग स्किल ऐसा हो जाएगा जिससे कि आप लोग का एवरी शॉट रेड डैमेज ही पड़ेगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि कैसे मैं यूएम से पूरा लाल लाल मार रहा हूँ और एकदम भी लाल मार रहा हूँ और मैं कवर में भी आ रहा हूँ ठीक है और अभी आप लोग देख सकते हो डेजर डिगल से मैं ड्रैग एडसोट मार रहा हूँ एंड एकदम लाल मार रहा हूं मतलब चार सौ पिचानवे फोर नाइन फोर नाइन तो गाइज ट्रिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं वीडियो बस वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो काम प्लीज कर देना बिल्कुल फ्री होता है आपका इसमें एक भी पैसा नहीं लगता आपको सबसे पहले क्या करना है वीडियो को लाइक कर देना है इस वीडियो को लाइक के में टेन के लाइक यानी कि दस हजार लाइक तो याद से लाइक कर देना उसके बाद नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन गाइज बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो अभी बढ़ते हैं गाइज वीडियो में ट्रिक नंबर वन की तरफ तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट रेड डॉट सेंसिटिविटी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गाइज मैं यहाँ पर सेंसिटिविटी है मेरा 72 ठीक है तो अब मैं 72 से देख सकते हो कि मेरे कितने हेड पड़ रहे हैं अब मैं इसको कर दिया 50 है फिफ्टी या फिर फिफ्टी पर तो देखो अब मेरे कितने हेडसट पड़ रहे हैं अब मैंने इसको कर दिया सिक्सटीन तो अभी देखो मेरे कितने हेड पड़ रहे हैं और आप लोग नोटिस करना गायज मैं आपको इसमें आगे एक ट्विस्ट बताता हूँ और अभी मैं सेंसिटिविटी को करता हूँ बिल्कुल जीरो और अभी आप लोग देखना कि भाई मेरे हेडसोट बहुत ही कम पड़ेंगे यूएम पी से ड्रैग हेडसोट ठीक है तो कहीं यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग को हेडसोट मारना है प्रॉपरली आप देख सकते हो कि अभी मेरा सेंसिटिविटी जीरो है और मेरे हेडसोट मतलब बिल्कुल भी नाक के बराबर पड़ रहे हैं बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे ठीक है तो अगर आपको परफेक्टली हेडसोट मारना है तो आपको एक परफेक्टली आपका रेड डॉट सेंसिटिविटी को बनाना होगा जैसे कि अभी मैंने हंड्रेड कर लिया है तो अभी मेरे हेड देख सकते हो कि मेरे कितने हेडसोट लग रहे हैं ठीक है मतलब बहुत ही ज़्यादा हेड लग रहे रेड डॉट येलो भी लग रहे हैं लेकिन हेड भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं एंड अभी वापस मैंने सेवनटी वन किया तो मेरे वापस अच्छे खासे हेडसेट लगने स्टार्ट होंगे तो गाइज़ अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ तो आपको मे, मेरी टाइप से, से सेंचुरीटी को सेवेंटी वन सेवेंटी टू कर देना है आपको गाइज क्या करना है एक्सपेरिमेंट करना है एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट मीन्स का इसकी आपको जैसे कि दस दस मतलब दस किल करना है दस मतलब पचास सेंचुरीटी पर रेड डॉट का बोल रहा हूँ गाइज और 10 किल करना है 60 सेंचुरीटी पर 10 किल करना है 70 सेंचुरीटी पर रेड डॉट तो इस टाइप से आपको अगर करोगे गाइज तो गाइज आपको पता चल जाएगा कि मेरे मोबाइल के हिसाब से कौन सा सेंसिटिविटी बेस्ट होने वाला है मतलब ड्रैग एडसोट के लिए या फिर वन टेब एडसोट के लिए तो गाइज अब मैंने सेवेंटी वन किया अब देखते हो मेरे ड्रैग एडसोट भी बहुत ही ओपी पड़ रहे हैं और वन टेब एडसोट भी बहुत ही ओपी पड़ रहे हैं डेजर डीगल से तो यहाँ पर गाइज आपको कि सबसे पहले मैन है सेंसिटिविटी जो जो कि, कि आपको फिक्स करना है कि किस टाइप से आपको लगाना है तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या करना है दस कम करना है फिर उससे दस किल करना है ट्रेनिंग में जाकर ठीक है और अब तो एक न्यू मोड भी आ गया है जिसमें जाकर आप लोग आराम से मतलब प्रैक्टिस कर सकते तो वैसे आपको प्रैक्टिस का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको कोई भी गन ले लेना ले है जो कि बेस्ट गन हो आई एम पी फोर्टी यू देखो मेरी एक की हेल्थ है इसको मैं कैसे ऐड मारता हूँ देखो सामने वाला बंदा टीम अप कर रहा है लेकिन मैं कैसे ऐड मारता हूँ देखो कवर में रहकर एक सौ बीस का मारा और खत्म हो गया गाइज यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको जब भी वन टेप मारने जाते हो ड्रेग एडसोड तो आप ट्राई करो एक दो गोली लगाओ और कवर में आ जाओ एक दो गोली मारो एनिमी को और कवर में आ जाओ इससे क्या होता है गाइज की सामने वाला एनिमी आपको मार नहीं पाएगा और दूसरा चीज अगर आपके एक दो हेड लग गए तो खत्म हो जाता है एनिमी ठीक है तो यहाँ पर गाइज मैं आपको एक बेस्ट तरीके बताना चाहूंगा कि कभी भी आप लोग जब भी ड्रेग एडसर्ट मारते हो बॉडी से एक दो तीन गोली फायर करो चार करो इससे ज्यादा मत करो आपको रेगुलर फायर नहीं करना पूरा मैगजीन खत्म नहीं करना है जिससे क्या होगा कि आपके बहुत ही अच्छे से मतलब हेड अगर नहीं भी पड़ेंगे तो आप लोग इजीली कवर में आ जाओगे ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है किस टाइप से आपको सेंसिटिविटी रखना है अभी बात करते हैं कि कैसे आपको वो हेड मारना है जिसको कि ड्रैग शॉट बोलते हैं ठीक है थी? अभी मैं प्रॉपरली आपको समझा देता हूँ अभी बात करते हैं गाइज हाउ टू टेक ड्रैग हेड तो गाइज यहाँ पर देखते हुए मैं जा रहा हूँ एकदम नोव आईडी से मेरे पास कोई गन स्किन वगैरह नहीं है तो जैसे ही सबसे पहले मैंने एनिमी को देखा तो एक होता है जंप वाला ड्रैग शॉट एक होता है नॉर्मल वाला तो देखो मैंने जंप वाला बता रहा हूं सबसे पहले क्या किया मैंने जंप किया पीछे मुड़ा और एनिमी के ऊपर एम किया उसके बाद मैंने अपने फायरब्रेन को नीचे कर खींचा देख लो आप लोग आराम से देख लो कैसे नीचे खींचा उसके बाद मैंने अपने फायरब्रेंड को एकदम झटके से ऊपर खींचा और पूरा रेड 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 मतलब पूरा रेड लगाया और एनिमी बहुत ही ईजीली खत्म हो गया तो एक होता है जंप वाला हेडसॉट का क्या करना होता है सबसे पहले आपको जंप करना होता है एनिमी के ऊपर एम करना होता है उसके बाद आपको पीछे मुड़कर मतलब कि हेडसॉट देना होता है और उसमें आपको क्या करना होता है अपने फायरब्रिंड को नीचे करके रोटेशन करके ऊपर करना होता है जिससे कि आप लोग का हेड बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही ओपी पड़ेगा अभी बात करते हैं गाइज दूसरी ट्रिक की दूसरी ट्रिक होने वाली है कि नॉर्मल में आपको बिना जंप किए जैसे कि अभी देखना मैंने सबसे पहले एम किया अब मेरा पैर जैसे जमीन पर टच होते हैं ठीक है टच हो गए अब क्या करूंगा मैं सबसे पहले एम तो हो गया मेरा अब आपको क्या करना है इस जोइस्टिक को मूव करके एम लाना है उसके बाद आपको अपने फार्म को नीचे खींचकर ऊपर खींचना है और आप लोग देखो देखोग की मेरे जितने भी गोली पड़ी सारी की सारी एनिमी के हेड पर पड़ी ठीक है कैसे पड़ी गई कि सबसे पहले तो मैंने जॉयस्टिक से एम किया और जब भी मैं फायर करता हूँ जॉयस्टिक को कभी भी गैज आपको यूज नहीं करना जब भी आप फायर करो एनिमी पर अगर आप जॉयस्टिक को यूज़ करोगे तो गैज आपका हेडसॉट बिल्कुल भी नहीं लगेगा और कभी भी आप लोग को ड्रैग करो तो आप लोग को सीधा ड्रैग नहीं करना आपको नीचे खींच कर अपने फायर ब्रिंड को ऊपर खींचना है जिससे कि आपका हेडसॉट बहुत ही ईजिल लग जाएगा तो गैस यही सीक्रेट था ड्रैग हेडसॉर्ट का तो गैज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग रेड डैमेज मारना चाहते हो तो अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो आपको आराम से समझ में आ जाएगा बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आप ड्रैग करो तो अपने फार्म को रोटेशन करके ड्रैग करना है तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग और गाइज एक चीज़ आपको बोलना चाहूंगा यार सब्सक्राइब करके जा आपके भाई का ही चैनल है सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू मोड आ गया है उस मोड में आप कभी भी नूब बंदे आएंगे कभी प्रो बंदे आएंगे तो आप उनसे खेलो मजे लो और आराम से प्रैक्टिस कर लो आपके पास बहुत सारे मतलब मोड सब तो दे दिए फ्री फायर गिरने वालों ने तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो लव यू एंड बाय बाय दोस्तों kill.